राजधानी पटना से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां ड्रग विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। शिवम मेडिकल हॉल में ड्रग विभाग के अधिकारियों का जो है छापेमारी चल रहा है। इस छापेमारी के दौरान कई दवाइयों की जांच की जा रही है, जिसमें कई दवाइयां डुप्लीकेट कंपनियों के द्वारा बेची जा रही है, ऐसा सूचना मिला है ड्रग विभाग की टीम को। जिसके बाद ड्रग विभाग की टीम जो है वो पहुंची है शिवम मेडिकल में, जहां पर छापेमारी कर रही है। पटना के शेखपुरा बगीचा स्थित IGIMS के गेट नंबर 2 पर शिवम मेडिकल में छापेमारी चल रही है, जहां जांच में कई दवाइयां में जो है गड़बड़ियां पाई गई है। वहीं जिसको लेकर ड्रग विभाग के DSP के नेतृत्व में यह छापेमारी चल रही है। करीबन जांच में जो है गड़बड़ियां पाई गई है। दुकान के कई मिल की जांच की जा रही है। दुकान के मालिक राकेश कुमार बताए जा रहे हैं, वो भी वहां मौजूद हैं और उनके कई स्टाफ भी मौजूद हैं, उनके सामने छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी जो है लगातार ड्रग विभाग के टीम के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। गुप्त सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग विभाग की टीम पहुंची है, जहां पर DSP के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। बता दें आपको कि IGIMS के गेट नंबर 2 पर शिवम मेडिकल स्थित है, वहां पर छापेमारी चल रही है। शेखपुरा बगीचा के पास जो है IGIMS के गेट नंबर 2 पे छापेमारी चल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर जो है ड्रग विभाग की टीम पहुंची है, और वहीं तमाम अधिकारियों के साथ, दल बल के साथ जो है अधिकारी पहुंचे हैं, जहां पर छापेमारी चल रही है। तमाम दवाइयों में जो है गड़बड़ियां पाई जा रही है, जिसको देखते हुए ड्रग विभाग की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। तो वहीं फ्रिज में रखी दवाइयां भी खराब बताई जा रही है, और वहीं फ्रिज भी बंद पड़ा हुआ है, ऐसा भी खबर निकल के आ रहा है। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर है, राजधानी पटना से बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार डुप्लीकेट और गलत दवाइयों का जो है खुलासा होता है। तो वहीं एक बार फिर से ड्रग विभाग के टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवम मेडिकल हॉल में ड्रग विभाग के अधिकारियों का छापेमारी जारी है। इस छापेमारी के दौरान कई दवाइयों की जांच की जा रही है। तमाम अधिकारी जो है ड्रग विभाग के वो पहुंचे हुए हैं। तो वहीं शेखपुरा बगीचा स्थित IGIMS के गेट नंबर 2 पर यह छापेमारी चल रही है। जो मेडिकल है, मेडिकल शॉप जो है, उसका नाम बताया जा रहा है शिवम मेडिकल। वहां पर लगातार ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, जहां पर गलत दवाइयां बनाई जा रही थी, गलत दवाइयां बिक रहा था, जिसको देखते हुए यह छापेमारी जारी है। बता दें आपको कि बड़ी खबर आ रही है, ड्रग विभाग के तमाम अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। तो वहीं विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, नकली दवाइयां आपको दिख रही होगी। यह नकली दवाइयां जो है शिवम मेडिकल में लगातार बेचा जा रहा था, और जिसको देखते हुए गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग विभाग की टीम पहुंची, और वहीं छापेमारी करना ड्रग विभाग की टीम ने शुरू कर दिया। तो जहां यह पाया गया, बातें सामने निकल के आई कि जो दवाइयां हैं वो नकली हैं, गलत कंपनियों का दवाइयां बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए डुप्लीकेट दवाइयों को जब्त किया गया है, तो वहीं कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।